सेटिंग्स ऑल सेट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली इनलाइन ब्लॉक जो कि कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम लोग इनलाइन ब्लॉक के आगे चलेंगे सीएसएस में अलाइनमेंट ओपन विद लाइव सर्वर। सो सीएसएस लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने जो अलाइनमेंट सीखा है वो सीखा है एचटीएमएल की हेल्प से, जैसे हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ है तो उसमें चार डिफरेंट टाइप्स का अलाइनमेंट काम करते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई। हेडिंग है उसमें लेफ्ट सेंटर राइट काम करता है। टेबल है उसमें अलाइन और वी अलाइन दो प्रॉपर्टी आती हैं, वी अलाइन फॉर वर्टिकल और नॉर्मल अलाइन फॉर लेफ्ट सेंटर राइट, है ना। बट सी एस एस में हम लोग अलाइनमेंट को किस तरह से हैंडल करेंगे ये हमारा टॉपिक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। सो सेंटर अलाइन एलिमेंट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है। टू हॉरिजॉन्टली सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक डिव यूज मार्जिन ऑटो, जो हम लोगों ने देख लिया था, है ना, पहले भी, बट दोबारा से हम लोग इसको देखेंगे। सो आप यहाँ देख सकते हो ये एक हमारा एक डिव एलिमेंट है जो कि मिडिल में आ रहा है। बिल्कुल आपने पूरी वृत्त को ना देख के सिर्फ इस वृत्त पर ध्यान देना है, इसके बीचों बीच आ रहा है। तो सेटिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेचिंग आउट टू द एजेस ऑफ इट्स कंटेनर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इसकी विड्थ जो है वो 50% रखी हुई है, क्योंकि डिप जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट ही विड्थ और हाइट को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ये हमें क्लियर हो चुका है क्योंकि लाइन ब्लॉक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ब्लॉक डिप ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो फुल विड्थ को लेते हैं अपनी। तो हमने इसको क्या बोला कि विड्थ फुल ना हो, 50% विड्थ हमने इसको दिया, तो ये स्क्रीन का 50% हो गया। उसके बाद हमने इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करा, मार्जिन ऑटो का यूज़ किया। तो मार्जिन ऑटो क्या करेगा, जितना भी हमारा स्पेस बचेगा स्क्रीन की विड्थ में से उसको 25% बोथ साइड में डिवाइड करते हैं, 25% फ्रॉम लेफ्ट 25% फ्रॉम राइट। तो इसका जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सेंटर में आ रहा है ना इस तरह से। सो ये इसको करने के लिए हमने ये कोड लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सेंटर अलाइनिंग हैज नो इफेक्ट इफ द विड्थ प्रॉपर्टी इज नॉट सेट टू 100%। नेक्स्ट है सेंटर लाइन टेक्स्ट। टू जस्ट सेंटर द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट यूज टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये भी हमें पता है टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ रखा हुआ है और उसके अंदर में क्या लिखा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। और बॉर्डर की जो हमने थिकनेस रखी वो कितनी रखी, 3 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें तो इस तरह से हमें सेंटर पे दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल यू अगर आप इसको करते हो यहाँ पर तो क्या लिखा, सेंटर क्लास। और ये सेंटर क्लास हमने कहाँ कॉल कर रखी है, डिव के ऊपर। तो जब डिव के ऊपर आपका ये वाला क्लास कॉल होगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिडल में दिखाई देगा, क्योंकि ये क्लास हमने डिव को दिया है। यहाँ देखो नीचे आइए, एक मिनट रुकना, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ ये अपना पार्ट, तो हमने क्या बनाया, एक सेंटर क्लास बनाई है और हमने इसको क्लास को कहाँ कॉल किया, देखे डिव के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से हमारा टेक्स्ट जो है इसके अंदर वो सेंटर में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी इमेज को सेंटर में कैसे लेके आना है, ठीक है। तो इमेज के लिए हमने क्या करा, इमेज टैग को हमने बोला डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि इमेज इनलाइन होता है आपका। अगर मैं मल्टीपल इमेजेस कॉल करूँ तो सब एक ही लाइन में आएंगे। तो हमने सबसे पहले इमेज को क्या बनाया, डिस्प्ले ब्लॉक। फिर हमने इसको मार्जिन लेफ्ट से राइट से ऑटो दिया और उसकी इमेज की विड्थ को रखा 40%। तो जब आप आउटपुट देखते हैं इसका तो ये आपको मिडल में दिखाई देती है इस तरह से इमेज, क्योंकि इमेज के ऊपर अलाइनमेंट वर्क नहीं करता है। तो ये इमेज वाला पार्ट है, इसका आउटपुट ये है इस तरह से। तो हमने डायरेक्ट एलिमेंट को पकड़ा है इमेज को और हमने लिखा है। अब मान लो कि आपके पास मल्टीपल अगर इमेज होंगे तो सभी इमेज आपके सेंटर हो जाएंगे, तो आपको फिर डॉट लगा के अपनी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो सिलेक्टेड इमेज होगी जिसको करना चाहोगे। अभी इस सिनेरियो में जितने भी इमेज होंगे सब सेंटर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजीशन। तो पोजीशन की हेल्प से हम लोग किस तरह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन का यूज़ किया एब्सोल्यूट। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, ये जो हमारा डिव है हमने इसको एक क्लास दिया राइट, पोजीशन को क्या लिखा एब्सोल्यूट, राइट से स्पेसिंग क्या कर दिया 0, विड्थ 300 है इसकी, तो ये राइट में चला गया ऑटोमेटिकली। बॉर्डर और पैडिंग हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है।
नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप पोजीशन वाला ओपन करेंगे तो ये देखिए क्या है अपना डिव एलिमेंट, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, तो जब हमने डिव को राइट बोला तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ भी राइट चला जाएगा, क्योंकि पैरेंट गया तो चाइल्ड ऑटोमेटिक जाएगा। इस वजह से आपका ये आउटपुट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट हैंड साइड में चला गया है ना। दूसरा तरीका क्या है राइट भेजने का, एक तो हो गया पोजिशन, दूसरा मेथड है हमारे पास फ्लॉट। फ्लॉट की हेल्प से भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हमने क्या लिखा यहाँ पर फ्लॉट राइट। तो जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, मैटर राइट में चला गया हमारा। तो इसमें कोडिंग के लिखी फ्लॉट राइट वेज 300, बाकी सब कुछ सेम है, बस हमने दो चीज़ें निकाल दी, पोजिशन और राइट की पोजिशन, हमने उसको रिप्लेस करके लिख दिया फ्लॉट राइट। तो आपका मैटर राइट साइड में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लियर फिक्स क्या काम करता है ना। इफ एन एलिमेंट इज टॉलर देन द एलिमेंट कंटेनिंग इट एंड इट इज floated, it will overflow outside of its container, so you can use the clear fix hack to fix, ठीक है। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास इमेज बड़ा है, कंटेनर छोटा है, तो क्या हुआ मेरी इमेज कंटेनर से बाहर निकल रही है, बट जब मैंने क्लियर फिक्स का इस्तेमाल किया तो मेरा कंटेनर इमेज की हाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो गया। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लिखा क्लियर फिक्स क्लास, हमने यहाँ पर सुडो लिखा आफ्टर कंटेंट जो भी है, क्लियर करो बोथ साइड और डिस्प्ले कर दो टेबल। तो जैसे डिस्प्ले टेबल बनाओगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तो अभी ये सर्वर की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, आपने क्या करना है इसको यहाँ से ओपन करना है। अब देखो सही आ रहा है, तो नॉर्मली मेरा कंटेंट जो है वो बाहर निकल रहा है डिप से, लेकिन इस वाले केस में मेरा कंटेनर भी एक्सपेंड हुआ। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर अगर हम लोग क्लियर फिक्स को ओपन करें, इधर आइए, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने क्लियर फिक्स का यूज़ किया, इमेज को हमने फ्लॉट राइट दिया हुआ है। तो ये दो हमारे पास इमेज है, इमेज वन और इमेज टू। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्लास इमेज वन जो कि बाहर निकल रही है, इमेज टू जो कि हमारी प्रॉपर तरीके से अंदर आ रही है, ये हमारी इमेज टू है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा मैटर कंपेरेंट की हाइट को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर पा रहा है, जबकि आप देखोगे डिव में तो हमने कोई हाइट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो डिव हमारे आप यहाँ देखेंगे दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, हमने बस दूसरे डिप को क्या बोला क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स के अंदर क्या है, कंटेंट की जो भी हाइट है, जो मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसको कोड में डिफाइन करो, क्लियर करो बोथ साइड, डिस्प्ले कर देंगे टेबल, ऑटोमेटिकली कंटेनर हाइट अपनी बढ़ा लेगा खुद से, अदरवाइज ये इस तरह से रहता है। तो ध्यान रखेंगे फ्लॉट के साथ जब हम लोग काम करेंगे तो हमने इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट और क्या तरीका है हमारे पास, नेक्स्ट फिर आता है कि आप अगर किसी मैटर को किसी डिव के अंदर वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो तो आप पैडिंग की हेल्प से भी वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। तो टेक्स्ट आपका टोटल मिडिल में आ रहे हैं, हमने लिखा देयर आर मेनी वेज टू सेंटर एन एलिमेंट वर्टिकली इन सीएसएस, अ सिंपल सॉल्यूशन इज टू यूज टॉप एंड बॉटम पैडिंग। हमने यहाँ पर पैडिंग का यूज़ किया तो ये हमारा मैटर इस तरह से, तो हमने लिखा पैडिंग टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट से, सॉरी टॉप बॉटम से 70 लेफ्ट राइट से 0। तो इसका आउटपुट क्या हो रहा है, मैटर हमारा प्रॉपर एकदम वर्टिकली मिडिल में आ रहा है इस तरह से। इस दूसरा हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई पैडिंग के साथ साथ मेरे को ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर रहे हैं, तो वर्टिकल तो काम कर रहा है पैडिंग, हॉरिजॉन्टल के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो हमने क्या लिख दिया टेक्स अलाइन सेंटर। तो ये देखो अगर आप यहाँ पर आओगे तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है टेक्स अलाइन, तो इससे हमारा मैटर सेंटर में हो गया, वर्टिकल का काम पैडिंग ने कर दिया, हॉरिजॉन्टल काम टेक्स अलाइन ने कर दिया। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखोगे तो हमने टेक्स अलाइन का यूज़ नहीं किया हुआ है ना। नेक्स्ट है सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट। तो जहाँ पर हम लोग पैडिंग की हेल्प से ये वर्टिकली मिडल लेके आ रहे हैं, हम लोग लाइन हाइट की हेल्प से भी वर्टिकली मिडल लेके आ सकते हैं, लेकिन लाइन हाइट के केस में ये ध्यान रखना है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दो लाइन के बीच में आपका जो भी हाइट आपने रखा होगा, जैसे 200 पिक्सल की हमने हाइट रखी है, तो वो दो लाइन के बीच में आएगी आपको। तो सिंगल लाइन के केस में आप ये हैक चला सकते हो, अदरवाइज दो लाइन के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है ये, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा एक सिंगल लाइन का हेडिंग है तो लगा लो लाइन हाइट, चलेगा। लाइन हाइट मतलब दो लाइन के बीच का गैप, इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई मैं यहाँ पर लाइन हाइट से काम चला रहा हूँ और मैंने यहाँ पर जाके दो बार ये लिख दिया। अब आउटपुट जब आप यहाँ देखोगे तो फिलहाल अभी क्या हो रहा है, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगा रखी है। मैं फिलहाल यहाँ से ये हट प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, अब आप देखना क्या होगा। तो ये अलग अच्छा, हमारी लाइन हाइट किस पर डली, पेरेंट के ऊपर डली हुई है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
पे सही है। तो लाइन हाइट हमने कितना रखा है, मेन डिप को 200 का, और पैराग्राफ को हमने लाइन हाइट दिया 1.5 का, ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास टेक्स्ट आए तो उनके बीच में ये गैप अपना मेंटेन है इस तरह से, और डिस्प्ले ब्लॉक को निकाल दो। यहाँ देख रहे हो बीच का गैप, अब ये बीच का गैप जो है वो इससे आ रहा है, देखो लाइन हाइट से। अब मान लो कि मैंने लाइन हाइट गलती से यहाँ डाल दिया, लाइक 100px और 100px, तो ये क्या होगा, दो लाइन के बीच का गैप बन गया, देखो बन गया ना। तो इसलिए इसका सोच सोच के इस्तेमाल करना है। सो लाइन हाइट दो लाइन के बीच का गैप होता है। तो इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें, इधर ये हमारी फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने जाकर डिफाइन किया कि भाई जो पेरेंट है, जो कंटेनर है, वो क्या है, क्लास सेंटर हमने उसके ऊपर लगा रखी है, जिसमें लाइन हाइट कितनी है 200 पिक्सल, डिप की हाइट कितनी है 200 पिक्सल, यहाँ पर बॉर्डर और टेक्स्ट लाइन इसमें मैंशन है। दूसरा, इसके अंदर जो पैराग्राफ हमने बना रखा है उसकी लाइन हाइट हमने रखी 1.5, डिस्प्ले रखा है इनलाइन ब्लॉक और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल। तो ये प्रॉपर्टी आपने इसमें डिफाइन की हुई है जिसकी वजह से हमें वो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या तरीका है हमारे पास, इसके अलावा आपके पास है यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं ना हम लोग, तो हमें क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स हॉरिजॉन्टल करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वर्टिकल करने के लिए यहाँ से अलाइन आइटम्स सेंटर का हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो ये भी हम लोग जब टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, फ्लॉट का या फिर फ्लैक्स का या फिर ग्रिड का, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी कि किस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर वर्क कर रही है। तो मॉडर्न जो तरीका है वो ये है, आजकल फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ होता है। तो ये हैं सब आपके अलाइनमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट को अलाइन करोगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेटर्स, CSS कॉम्बिनेटर्स। सो ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे फाइल का नेम कॉम्बिनेटर्स, कॉम्बिनेटर्स। पैडिंग 3 यहां पर मेंशन करेंगे, अ कॉम्बिनेटर्स is something that explains the relationship between the selectors. A CSS selector can contain more than one simple selector between the simple selectors we can include a combinator. सो टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन CSS। यहाँ पर यूज़ करेंगे UL, UL में LI। तो सबसे पहले हमारा आता है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट
डिसेंडेंट सेलेक्टर, इसमें हम लोग स्पेस का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है इसमें चाइल्ड सेलेक्टर, SELECTOR, इसके लिए हम लोग ग्रेटर देन का यूज करते हैं, एम्परसेंट GT। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजॉइंट सिबलिंग सेलेक्टर, इसके लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसके लिए हम लोग टिल्ट का यूज करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है वो स्पेस का ज़्यादा यूज किया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल अगर देखें तो जैसे यहाँ पर सेंटर का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ यहाँ ये देख रहे हो क्या है क्लास, उसके बाद में क्या लगा हुआ है स्पेस और पी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपना डिसेंडेंट सेलेक्टर, यानी कि स्पेस लगा कर हम लगते हैं, यानी कि पेरेंट के अंदर नेक्स्ट हमारा क्या कंटेंट है वो चीज़। तो चलो यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर अपना टॉपिक। डिसेंडेंट सेलेक्टर, द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स of a specified element. The following example selects all P elements inside एलिमेंट्स। सो इसके लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल, हम बोलेंगे यहाँ से कि भाई डिव के अंदर जितने भी पी हैं, हमने क्या लिखा डिव टैग, डिव के अंदर पी टैग। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि आपका जितना भी इसके अंदर डिव में पी होंगे, मैं कहता हूँ कि उनका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ अलग कर दो, का बैक GROUND बैकग्राउंड कलर क्या कर दो येलो कर दो। तो अब डिव में जितने भी पैराग्राफ होंगे हम सबको डायरेक्टली टारगेट कर लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे आप यहाँ से अपना एग्जांपल ओपन करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, लिखेंगे ट्राई CSS सेलेक्टर एलिमेंट। इसको हम लोग लाके यहां पर डिफाइन कर लेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमने देखो एक अपना डिव बनाया, डिव के अंदर हमने क्या करा पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर में क्या करा एक सेक्शन टैग का यूज किया और उसके अंदर फिर से हमने पैराग्राफ बनाए, फिर हमने कुछ पैराग्राफ बाहर डिफाइन कर दिए इस तरह से। अब आप यहां पर देखोगे कि डिव में जो भी हमारे पी होंगे, ठीक है, डिसेंडेंट, तो वो देखो डिप के तुरंत बाद वाले पी को टारगेट करेगा, लेकिन इसके अंदर जो सेक्शन में पी लिखा है इसको टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ज़रा इस फाइल को यहाँ से सेव करके ब्राउज़र में ओपन करिए विद लाइव सर्वर और इस एग्जांपल को ट्राई करके देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जितने भी पैराग्राफ मेरे डिप में हैं उनको उसने टारगेट किया, लेकिन पैराग्राफ जो हमारा 4 और 5 है, ठीक है, उसको उसने टच नहीं किया, लेकिन जो मेरा सेक्शन टैग के अंदर पैराग्राफ था वो भी मेरा टारगेट में आया। देखो उसके अंदर
तो ये क्या करता है, डिव में जितने भी पी होंगे चाहे वो किसी भी टैग के अंदर हो, डिव लेकिन डिव के अंदर सबको पकड़ के चेंज कर देगा। सो ये है इसका काम। नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड सेलेक्टर। नीचे का सारा पार्ट डिलीट कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये सब डिलीट। नेक्स्ट क्या अपना चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन। तो चलिए डिफाइन करिए चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। The following example select all p elements inside of a div element. ठीक है, तो यहां पर हम अब की बार div और p के बीच में क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल। अब ये हमें यहां पर कुछ आउटपुट इसका दिखाएगा। हम यहां पर जाएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एलिमेंट जीटी। और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमारा डिव के जस्ट बाद में पैराग्राफ वन इन द डिव, टू इन द डिव, सेक्शन जो हम लोगों ने पहली बार यूज करा था उसमें क्या था, हमारा कलर चेंज हो रहा था। इस बार क्या है, नॉट चाइल्ड बट डिसेंडेंट। अगर डिसेंडेंट का लिखोगे मतलब ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगाओगे तो इसका कलर चेंज कर देगा, बट अब की बार ये कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको छोड़ देगा, फिर पैराग्राफ फोर का कलर चेंज करेगा। जरा ट्राई करके देखो, हमने इसका फाइल नेम किया ऐसे कॉपी और यहाँ लाके करेंगे रिप्लेस और ब्राउजर में जाके इसको टेस्ट करो। रिफ्रेश, चाइल्ड सेलेक्टर क्या दिखाई दे रहा है, सेक्शन वाले को छोड़ दिया ना उसने। तो कभी अगर आपको ऐसा कुछ काम करना पड़े तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करो बीच में। तो ये सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट को, जिसको आप चेंज करना चाहोगे कि भाई डिव के तुरंत बाद जितने पिए उनको पकड़ो, किसी और टैग के अंदर अगर पिए उनको टच मत करो, उनको छोड़ दो। तो ये इस तरह से चलती है चीज़। फिर आएगा आपका एग्जैक्ट सिबलिंग, तो हम इस पर काम करेंगे। फिर से कॉपी, एग्जैक्ट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। सिबलिंग एलिमेंट्स मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट एंड एग्जेंट means
immediately following. The following example, select the first B element that are place immediately after div element. So इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, div plus p, ठीक है. तो पहले सबसे पहला जो देखा हमने descendant, उसने क्या करा, div में जितने भी p है या किसी टैग के और अंदर p है वो सबको पकड़ रहा है. फिर हमने दूसरा एग्जांपल देखा चाइल्ड सेलेक्टर, उसने div के अंदर जितने भी p थे सबको पकड़ा, ठीक है. लेकिन किसी टैग के अंदर अगर कोई p था उसने इसको टच नहीं किया. लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है हमारा, ये div के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे पहले को पकड़ेगा, तो इमीडिएट बाद में जो है. तो यहाँ से इसको करेंगे ओपन और इसको हम लोग ट्राई करेंगे. तो यहाँ जाइए, सेवेज करिए, एलिमेंट प्लस. तो इसका एक एग्जांपल बनाएंगे. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमारे पास एक डिव टैग है, ठीक है. इसके बाद फिर हमारे पास कुछ यहाँ मैटर लिखा हुआ है, फिर हमारे पास डिव है और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है. तो यानी कि हमने लिखा डिव प्लस पी, तो यानी कि डिव को छोड़ो, डिव के बाद में जो पहला पी है उसको पकड़ो, फिर डिव को छोड़ो, उसके बाद जो पहला पी है उसको पकड़ो. तो यानी कि अब की बार जो सेलेक्ट होना चाहिए पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 7 हमारा सेलेक्ट होना चाहिए. फाइल का नेम कॉपी करेंगे, यहाँ ला के कॉल करेंगे और ब्राउजर में जाके इसको चेक करेंगे. क्लिक हियर, तो क्या दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ 1 इन द डिव, 2 इन द डिव, उसको छोड़ दिया, तीसरे को पकड़ा आफ्टर अ डिव, लेकिन फोर्थ को टच नहीं किया. तो क्या एग्जैक्ट है ना, इमीडिएटली आफ्टर द डिव दिखा रहा है ना. द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स द फर्स्ट पी एलिमेंट दैट आर प्लेस इमीडिएटली आफ्टर डिव एलिमेंट. इसी तरह से फिर ये दो डिव, एक डिव है उसके अंदर दो पैराग्राफ है, उसके तुरंत बाद वाला उसने पकड़ा लेकिन 8 को टच नहीं किया, इस तरह से. तो ये होता है एग्जैक्ट का काम. नेक्स्ट, इस एग्जांपल को आपने सेव कर लेना है, कॉपी पेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास आएगा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर. इसके लिए अपन टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे. द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल elements that are next sibling of a specified element. The following example selects all elements that are next sibling of div elements. तो इसके लिए हम लोग यहां पर प्लस की जगह पर यूज करेंगे टिल्ट. यहां से फाइल को ओपन करिए, फाइल को सेव करेंगे, टिल्ड टिल्ड को डिफाइन करने के बाद हम इसमें यहाँ पर चेक करेंगे. तो देखो भाई, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ 1, फिर ये एक डिव हमारे पास जिसके अंदर क्या है पैराग्राफ 2, फिर हमारे पास क्या है डिव के बाद में पैराग्राफ 3,
ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक टैग है जिसमें हमने डिफाइन किया सम कोड, फिर हमारे पास क्या है पैराग्राफ 4। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई आपका जो सेलेक्ट होना चाहिए, हमने लिखा है सिबलिंग, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, तो ये 1 को छोड़ेगा, 2 को छोड़ेगा, क्या लिखा है, द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो डिव के बाद हमारा कौन सा है, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4, ट्राई करके देखो। क्यों आ रहा है भाई, हमने गलत जगह लिख दिया क्या? यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ टिल्ड होगा, कुछ तो गलत हो गया है, जनरल सिबलिंग सेक्टर हमसे ऊपर डल गया, बाय मिस्टेक लग रहा है। कौन कौन से सेलेक्टर हैं देखो, डिसेंडेंट, चाइल्ड, जनरल सिबलिंग और एग्जिट। तो जनरल को नीचे डालो, कहाँ पर है जनरल, जनरल 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 चाइल्ड, या ये अपना इसके बाद जाएगा। तो डिव के बाद वाला पकड़ रहे हैं 3 और 4, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में डिव के बाद का सिर्फ एक पकड़ा जा रहा था, अगली बार डिव के बाद जितने भी होंगे वो सबको पकड़ेगा। इसका मैं एग्जांपल ऊपर वाले में दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ डिव के बाद पहला सेलेक्ट हुआ है, यहाँ डिव के बाद पहला सेलेक्ट हुआ है, यानी कि 3 और 7 मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं इस एग्जाम्पल में, है ना। देखो मैं इसको टिल्ड से रिप्लेस कर देता हूँ, अब देखना क्या होगा, इस डिव के बाद जो भी पी था वो सेलेक्ट कर लिया, इस डिव के बाद जो भी पी था वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लस करोगे तो एक पकड़ा जाएगा, टिल लगा दोगे तो डिव के बाद जो भी पी होगा, जब तक नेक्स्ट डिव नहीं आता सारे पी को टारगेट कर लेगा। तो ये है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। नेक्स्ट आता है सूडो क्लास। सुडो क्लास, सुडो क्लासेस, व्हाट आर सुडो क्लासेस, सुडो क्लास इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू यहां आएंगे, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस ओवर इट। स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस,
तो सुडो का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिंक विजिटेड होवर एक्टिव, ठीक है। तो ए टैग के ऊपर तो चलता ही है, हम उसके अलावा बाकी की चीज़ों पे भी चला सकते हैं, जैसे कि बटन टैग, इनपुट टाइप बटन, हम उनको भी स्टाइल अप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसका सिंटेक्स जो होता है कुछ इस तरह का रहता है, सिंटेक्स, दी सिंटेक्स ऑफ सुडो क्लासेस सुडो क्लासेस यहाँ पर जाके आप टेक्स्ट एरिया की हेल्प से इसको डिफाइन कर देंगे। तो लिखते हैं सेलेक्टर का नेम, सेलेक्टर कुछ भी हो सकता है, मे बी डिव, मे बी ए टैग, मे बी पैराग्राफ, जो मर्जी। सूडो क्लास लाइक लिंक विजिटेड होवर एक्टिव, और यहाँ पर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू लाइक मे बी फॉन्ट साइज इतना रखना है, कलर मुझे इतना रखना है, वो चीज़ हम लोग इसमें जाके डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि भाई मैं कुछ एलिमेंट इसमें अपना डिफाइन करूँ, तो वो आप यहाँ पर जाके अपना क्रिएट कर, जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं एंकर सुडो, तो यहाँ लिखेंगे एंकर सुडो क्लासेस, ठीक है। एंकर मतलब ए टैग की हम लोग बात कर रहे हैं, लिंक्स कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज, एग्जाम्पल। सो हम लोग यहाँ पर कुछ लिंक विजिटेड होवर एक्टिव अपना डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर, इन सबको टैब लगा के आगे बढ़ाइए इस तरह से, 1 2 3 4, तो समथिंग 20 लाइन का गैप यहाँ पर ले लूँ, सही आ गया। और यहाँ पर गैप थोड़ा घटाओ, यहाँ पर 3 लाइन है तो 4 लाइन का रख दो, अब सही है। तो इसका हम लोग आउटपुट देखें कि आउटपुट क्या आएगा, तो आपने यहाँ पर इसको डिफाइन करने के बाद फाइल को ओपन कर लेना है, सेव एज कर लेना है, ट्राई सी एस एस, यहाँ जगह आप लिखेंगे सूडो क्लास अंडरस्कोर लिंक्स, और यहाँ पर हम लोग इसमें अपने लिंक्स को डिफाइन करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके इसका लिंक डिफाइन कर देंगे, और ब्राउज़र में जाके आपने इसको यहाँ पर रीलोड करना है, फाइल को ओपन करना है इस तरह से। तो आप यहाँ देख रहे हैं माउस ऊपर हमारा कलर क्या आ रहा है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना ये कलर, तो ये सारे कलर आप देख सकते हो, डिफॉल्ट रेड रहेगा, विजिट हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, होवर पर पिंक रहेगा, एक्टिव पर ब्लू आएगा। तो यहाँ देखो रेड आ रहा है डिफॉल्ट, ये होवर पर पिंक डाला हुआ है हम लोगों ने, विजिट यानी कि जब मैं क्लिक कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा, और दबाने पर ये ब्लू रहेगा, देखो ब्लू आ रहा है इस तरह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या चेंज होता है कि नहीं। तो देखो हो गया ग्रीन, क्या डाला था हमने कि जब विजिट हो जाए तो ग्रीन कलर में रिप्लेस हो जाए। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लोग क्लास यूज करेंगे मार्क P3, और इसको बोल्ड में रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इनका जो सीक्वेंस है, होवर जो है वो हमेशा लिंक के बाद आएगा, लिंक एक्टिव ओवर
ऊपर इस तरह से ओपन करेंगे यहाँ ब्राउजर में, सबको बंद करिए। तो क्या है, अ होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक, यानी कि ए लिंक के बाद में आपका यहाँ पर होवर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अ होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक विजिटेड इन द सीएसएस डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए होवर। तो देख लो होवर के बाद में एक्टिव आ रहा है अपना, इन द सीएसएस डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। सुडो क्लासेस नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, आप इनको अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो, चलते हैं। पर ध्यान रखना लिंक विजिटेड होवर एक्टिव ये फ्लो है, अगर आपने होवर को इसके ऊपर लिख दिया नहीं चलेगा, एक के बाद एक आपने वन बाय वन डिफाइन करना है इनको, तभी ये काम करते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यहां पर सुडो क्लासेस एंड HTML क्लासेस। Pseudo classes can be combined with HTML classes. When you hover over the link in the example, it will change color. So यहाँ पर वो define करेंगे a tag dot हमारी class है highlight, और इस पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, hover sudo। यहाँ जाके हमने लिखा color जो है वो अपना red हो जाए। इस तरह से open करेंगे अपना example और इसको यहाँ पर try करेंगे। एग्जाम्पल का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे ट्राई कॉपी, यहाँ लिखेंगे ट्राई सुडो क्लास। हम लोग क्या करें, हमने ए टैग के ऊपर एक क्लास लगाई विच इज हाईलाइट। अब यहां पर आप देखोगे हमने लिखा ए डॉट हाईलाइट, और अगर उसके ऊपर होवर होता है तो कलर हमारा चेंज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पर कि क्या ये इसको चेंज कर पाता है कि या नहीं। तो फाइल को सेव करने के बाद आपने यहां जाना है, रीलोड करना है नीचे आइए और यहां पर ओपन करिए। देखो माउस ओवर हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा कलर भी चेंज हो रहा है और फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज हो रहा है। दो चीज़ें डिफाइन की, ओवर करने पर कलर रेड हो जाए और फ़ॉन्ट का साइज हमारा 22 पिक्सल समथिंग हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम क्लास बना के भी चेंजेस वगैरह लेके आ सकते हो, पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग किसी डिव के ऊपर अगर होवर करें, फिर से हमने इसको किया कॉपी, नीचे का सारा पार्ट डिलीट कर दो, हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर करेंगे पेस्ट कंट्रोल एस, यहाँ लिखेंगे होवर ऑन M%LT डिव M%GT। एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द होवर sudo class on a div element। तो example में आएंगे, हमने यहाँ पर लिखना है div को जब user hover करे तो कुछ changes हमारे होने चाहिए। हमने यहाँ पे जाके बोला color हो जाए blue। फाइल को ओपन करिए, सेव एज करिए, इसको लिखेंगे क्लास
अंडरस्कोर होवर अंडरस्कोर डे। यहाँ पर इसके नेम को हम लोग करेंगे चेंज। चेंज करने के बाद आपने यहाँ आना है और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या एक डिव एलिमेंट है। हमें पता है बाय डिफॉल्ट डिव जो होता है ब्लॉक होता है, पूरी विड्थ को लेता है, जितनी स्क्रीन की विड्थ होगी। हमने पूरे डिव को क्या दिया, कलर ग्रीन कलर वाइट, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। पैडिंग 25 यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से 25 पिक्सल का गैप होगा और टेक्स्ट जो आएगा वो डिव के बीच में आएगा, ठीक है। अब जब यूज़र माउस लेके जाएगा तो डिव का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ जाइए और इसको करिए क्लोज, यहाँ से ओपन करिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। माउस ओवर करेंगे तो कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो ये भी मैं लाइव सर्वर से चला रहा हूँ तो इसलिए मुझे तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, बट जब आप इसको सही जगह से चलाओगे तब ये प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, सही आ रहा है इस तरह से। अब आप चाहो कि भी इसके ऊपर हैंड का सिंबल भी आ जाए तो बिल्कुल आ सकता है, आपने बस यहाँ जाके लिखना है कर्सर जो है वो पॉइंटर रहे। दिखाई दे रहा है हैंड का सिंबल, बटन की तरह फील दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा डिव के साथ। इसी तरह से आप टूल टिप वगैरह अगर कुछ बनाना चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से इसको करेंगे अगेन कॉपी पेस्ट और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सिंपल टूल टिप। टूल टिप में क्या लिख देंगे, होवर, और इसमें हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे होवर ओवर अ डिव एलिमेंट टू शो अ पी एलिमेंट लाइक अ टूल टिप। तो हम चाह रहे हैं कि जब यूजर डिव को माउस ओवर करे तो पैराग्राफ टैग दिखाई दे, अदरवाइज पैराग्राफ हमारा हाइड रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जाइए, लिखेंगे यहां पर पैराग्राफ कर्ली ब्रेसेस, लिखेंगे पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट हमारा दिखाई ना दे, तो लिखेंगे डिस्प्ले क्या रहा है इसका, नन। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर जो है पैराग्राफ का, BACKGROUND बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल का रहेगा। और डिव को जब हम लोग होवर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी टैग का जो डिस्प्ले हमने नन किया हुआ है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ये हमने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन कर ली। फाइल को जाके अपने सेव एज कर लेना है। यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे सूडो क्लास होवर टूल टिप और यहाँ से हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर लेना है। तो देखो हमारे पास एक डिव है, हम यूज़र को बोले होवर ओवर दिस डिव एलिमेंट टू शो दी पी एलिमेंट। तो ये पी यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है। हमने बाय डिफॉल्ट पी को क्या बोला है, डिस्प्ले नन, लेकिन जैसे ही यूजर माउस ओवर करेगा तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ज़रा इसको चला के देखो और इसमें कितनी हाइट है हमारी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10 पे डिफाइन कर दो। तो क्लिक करिए यहाँ से, तो ये अगेन फिर से वही वाला पंगा है, तो आप यहाँ से इसको जाके चेक करोगे माउस आ रहा है तो पैराग्राफ दिख रहा है, अदरवाइज पैराग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने डिप को ओवर किया, पैराग्राफ दिख गया इस तरह से। नेक्स्ट करेंगे फिर से इस लाइन को,
पेस्ट करेंगे यहाँ पर, डिफाइन करेंगे CSS. The first child sudo class matches a specified element that is the first child of another element. यहां लिखेंगे match the first example, the selector matches any P element that is the first child of any एलिमेंट. एग्जाम्पल यहां आएंगे, लिखेंगे पैराग्राफ के साथ में फर्स्ट चाइल्ड. क्या बोल रहे, कलर ब्लू हो जाए, बाकी कोड हटा देंगे यहां से, टोटल हाइट रखेंगे यहां पर 4 इस तरह से. एग्जाम्पल ओपन कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए, इसको सेव एज कर लेंगे और इसको यहाँ पर जाके नेम डिफाइन कर देंगे. ट्राई CSS फर्स्ट चाइल्ड तो देखो हमारे पास दो पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है, और एक डिव के अंदर भी हमारे पास पैराग्राफ अवेलेबल है ना. हमने ऊपर क्या कमांड दिया है, पी फर्स्ट चाइल्ड, तो यानी कि बॉडी के अंदर फर्स्ट चाइल्ड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ. डिव के अंदर फर्स्ट चाइल्ड कौन सा हुआ, तो दो का कलर ब्लू हमें मिल जाना चाहिए. तो यहाँ जाएंगे फाइल नेम कॉपी और ब्राउजर में इसको आपने चेक करना है. यहाँ पर तो क्या दिखाई देता है, फर्स्ट दोनों जगह पर आपके टारगेट हो गए इस तरह से. तो ऐसे आपका फर्स्ट चाइल्ड काम करता है. एक और एग्जांपल बनाएंगे उसके थ्रू समझेंगे. ओके तो यहां चलिए, और एचआर कहां गया हमारा, यहां से इस पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट. यहां लिखेंगे मैच द फर्स्ट पी, क्या पी पे मत करो, आई पर देखो, मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स. In the following example, the selector matches the first I element in all
p elements. तो यहां पर रखेंगे p, p के अंदर i और i का फर्स्ट चाइल्ड. तो ये कौन सा सेलेक्टर हो गया? डिसेंडेंट सेलेक्टर हो गया. पैराग्राफ के अंदर जितने भी आई होंगे, तो अगर मान लो दो आई है तो पहला आई को टारगेट करो और उसका कलर जो है वो चेंज कर दो. तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है और ट्राई करेंगे. फाइल को सेव एज कर लेते हैं. नंबर टू, सो हमने यहाँ पर लिखा आई एम ए स्ट्रांग पर्सन, आई एम ए स्ट्रांग पर्सन, इस तरह से दो बार. तो यहाँ पर आप देखो एक पैराग्राफ में दो बार आई टैग का इस्तेमाल हो, तो आपको समझ में आ गया कौन सा टारगेट होने वाला है, ये वाला. तो यहाँ जाएंगे, फाइल को कर देंगे एग्जाम्पल टू, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना. तो दोनों पैराग्राफ के अंदर हमारा पहला वाला जो आई है फर्स्ट चाइल्ड वो सेलेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है. अब हो सकता है कि भी आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि इसके अंदर जैसे भी हमारा ये वाला सेलेक्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ दोनों सेलेक्ट हो जाए, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, एक और एग्जांपल बनाएंगे, एचआर से कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट. तो मैं इसमें क्या करूँगा, आई को जो है बाद में डाल दूंगा और मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड. अगर मैंने ऐसे लिखा तो मेरे पैराग्राफ जो दो हैं उसमें पहले पैराग्राफ की दोनों लाइनें जो हैं वो सेलेक्ट हो जाए, मतलब दोनों आई जो है सेलेक्ट होंगे. तो मैं यहाँ पर जाके इसको डिफाइन करूँगा, मैच ऑल आई एलिमेंट इन ऑल फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट्स. सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द सेलेक्टर मैचेस ऑल आई एलिमेंट्स इन पी एलिमेंट्स दैट आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट. सो हमने इसका कोड स्ट्रक्चर लिखा, फाइल हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, इसको हम लोग सेव एज करेंगे और यहाँ जाके इसका नंबर चेंज कर देंगे. अब आप यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे, तो देखो मेरे पास यहाँ दो पैराग्राफ है, तो ये तो हमें पता चल गया फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, कि बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड ये हुआ और इस डिप के अंदर फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ का ये हुआ. तो यहाँ पर ये दोनों सेलेक्ट होंगे और इस डिप के अंदर ये दोनों सेलेक्ट होंगे. सेव करेंगे नंबर थ्री और ब्राउज़र में इसको ओपन कर लीजिए और चेक करके देखिए एग्जांपल को. तो एक बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ है उसके दोनों आइटम पकड़े गए, एक जो डिव के अंदर हमारा पैराग्राफ है उसके दोनों आइटम हमारे सेलेक्ट हो गए इस तरह से. तो ये ऐसे चलेगा. नेक्स्ट एचआर हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक. क्या लिखेंगे, सी एस एस द लैंग्वेज सूडो क्लास. द लैंग्वेज सूडो क्लास allows you to define special rules for different languages. In the example below,
defines that quotation, define the quotation marks for Q element with language equal to no. So इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाइए. हम यहाँ पर लिखेंगे HTML5 फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, और यहाँ पर हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जाके लिख देंगे जैसे कि Q language attribute की वैल्यू है no, कोट्स जो है हमारे वो टिल्ट से रिप्लेस हो जाए लाइक दिस. तो बस खाली इतना ही पार्ट रखो, मुझे पूरी कहानी की जरूरत है नहीं. लाइन 4 की हाइट रखो, फाइल को सेव एज कर लो और यहाँ आके इसको नेम दे दो ट्राई CSS लैंग्वेज एंड एंटर. तो आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, हमने क्यू टैग पढ़ रखा है. क्यू टैग का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने कहीं पर क्यू टैग लगाया है तो वो आपको इन्वर्टेड कोट देता है इस तरह से. दिखा जा रहा है कोट, मैं इन कोड को बदलना चाह रहा हूँ कि भाई वो रिप्लेस हो जाए. तो मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा लैंग्वेज नो और उसको इसके साथ बदलना चाह रहा हूँ, तो क्या दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कोड रिप्लेस हो गए इस तरह से. बहुत रेयर रिक्वायरमेंट होगा, कभी आए तब की बात है, अदरवाइज नहीं पड़ती जरूरत. तो इस तरह से हमारे पास ये सारे सूडो के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सूडो एलिमेंट, ELEMENT. तो ऊपर जाएंगे CSS सूडो एलिमेंट्स. CSS सूडो एलिमेंट्स, सो व्हाट आर सूडो एलिमेंट्स. CSS sudo elements is used to style specified parts of an element. For example, it can be used to style the first letter or line of an element. Next, insert content before or after the content of an element. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते. सिंटेक्स ऑफ सूडो एलिमेंट्स ELEMENTS. सो यहां पर आपका रहेगा सूडो क्लास की जगह सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू. तो हम यहां पर ट्राई करके देखेंगे फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करके. दी फर्स्ट लाइन sudo element. अब यहाँ पर जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो आपने ध्यान देना है कि sudo क्लास में हमारे जो कॉलन चलते हैं वो सिंगल चलते हैं, एलिमेंट में ये डबल चलते हैं. आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, डबल. ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि sudo एलिमेंट और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो एलिमेंट में ड्यूल कॉलन, क्लास में सिंगल कॉलन.
इसका आपने ध्यान रखना है। हाँ, और एलिमेंट में डबल, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट का टॉपिक चला, तो हमने डबल कॉलन का इस्तेमाल किया। तो लिखेंगे यहाँ पर दी फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू एड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तुम्हारी अटेंडेंस लगा देते हैं। अरे यार, इसका ऑनलाइन मोड है क्या? बड़ा कंफ्यूजन है। इसकी क्लास के यहाँ पर इसको डिफाइन करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे कैप्स लॉक ऑफ करिए। द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर्मेट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन ऑल पी। पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, और यहाँ लिखेंगे कलर जो हमारी फर्स्ट लाइन का कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे कि रेड, और फॉन्ट वेरिएंट हम लिखेंगे स्मॉल कैप्स। ऐसा कुछ हमने इसको डिफाइन कर दिया है। फाइल को जाके आपने सेव कर लेना है, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे sudo first line lines। so फाइल को करिए सेव। तो यहाँ पर जितना भी मेरा पैराग्राफ एक लाइन में रहेगा ब्राउजर के अंदर, उसका मेरा कलर कुछ डिफरेंट आएगा। ट्राई करके देखेंगे इसको। ट्राई फर्स्ट लाइन, रेस्ट नीचे का जितना भी कोड है इसको हटा दो, उसके में ओ ओ ओ, ओ ज़्यादा हटा दिया, यहाँ तक हटा। सो ब्राउज़र में आइए, रिलोड करिए इसको, और हमारे पास मैटर की लेंथ कम है तो पूरी लाइन का भी हमारा कलर कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंड मोर जो यहाँ लिखा हुआ है मैं उसको मल्टीपल टाइम बढ़ा देता हूँ। अब क्या होगा, ये एक पैराग्राफ से बड़ा हो गया। तो क्या दिख रहा है, पहली लाइन का सिर्फ हमारा कलर रेड आ रहा है, बाकी रिमेनिंग हमारा डिफॉल्ट जैसा आता है वैसा ही आ रहा है अपना। सो ये हुआ फर्स्ट लाइन। ऐसे आप चाहो तो फर्स्ट करेक्टर का भी खाली चेंज कर सकते हो। आपको फर्स्ट लेटर लिखना है उस केस में, तो आपका फर्स्ट लेटर का भी चेंज हो जाएगा। आएंगे इस एग्जांपल के बाद, नोट फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट बोलो
क्या कहना चाह रहे हो? बता देता हूँ उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, जाके एक क्लास बना लोगे लाइक कस्टम। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इसको कलर, हमने इसको कलर दे दिया लाइक वो इसका ब्लैक कर दो, तो जिसका भी आपने चेंज करना, बदलो किसका चेंज करना है? थर्ड पे मोर है, यहाँ इसका चेंज करूँ? ठीक है, तो इसको कट किया मैंने, मैंने आपको इनलाइन एलिमेंट सिखाया हुआ है, इनलाइन क्लास कस्टम लिख देंगे आप, तो क्या होगा, चेंज हो गया ऐसे। चलिए ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट हमारा हम लोग लिख रहे थे यहां पर, नोट द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज, लिखो कैन बी ओनली बी अप्लाइड, कैन ओनली बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। मान लो कि आपके पास मल्टीलाइन टेक्स्ट तो है लेकिन स्पैन टैग में है तो काम नहीं करेगा, बट पैराग्राफ होगा डिव होगा तो उसमें काम कर जाएगा। सो ध्यान रखना लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल। सो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग इसको दे सकते हैं, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अप्लाई टू दी फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। तो यूएल एल आई और इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट फॉन्ट की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो लिख देंगे फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट एंड क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप अपने यूएल पे लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की जगह पर मैं लूंगा इस बार डिव, लिखेंगे क्लास मार्क एंड पैडिंग 3, यूज करेंगे पी टैग और यहां लिखेंगे हम लोग बी टैग, नोटिस द डबल कॉलन नोटेशन। फर्स्ट लाइन वर्सेस फर्स्ट लाइन, एक में क्या है डबल कॉलन है और एक में क्या है सिंगल कॉलन है हमारे पास, ठीक है। द डबल कॉलन
replace the single column notation for pseudo elements in CSS 3. This was an attempt from W3C to distinguish between pseudo classes and pseudo elements. Next, the single column syntax was used for both pseudo classes and pseudo element in CSS 2 and CSS 1. For backward compatibility, the single column syntax is acceptable for CSS 2 and CSS 1 pseudo elements. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई हमने इससे पहले जब pseudo क्लास पढ़ा था तो वहां पर क्या था, सिंगल एलिमेंट चल रहा, सिंगल कॉलम था. एलिमेंट के अंदर जब हम लोग आए तो हमने डबल का देखा, तो डबल जो चला हमारा वो वन और टू में चलता था. ठीक है, सॉरी, सिंगल जो चलता था वो टू और वन में चलता था. लेकिन जब CSS 3 2012 में ऑफिशियल हो गया कि भाई अब से वेबसाइट जो है वो उसमें बनेगी, तो 2014 से स्ट्रिक्टली हम लोग डबल कॉलम में लिखते आ रहे हैं, क्योंकि 2008 में CSS 3 इंट्रोड्यूस हुई थी. लेकिन ऑफिशियली जब W3C से रिकमेंडेशन आया कि अब से जो भी वेबसाइट बनेगा वो जो बनेगा आपका CSS 3 और HTML 5 से ही बनेगा, तो वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन 2014 में, कि 2014 के बाद से CSS 3 और HTML 5 यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्लियर है अच्छे से. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग